चुका मुआहदा डिफॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने तरक्की के सफ़र की तरफ गामजान है। जो भी इंशाल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपका आपके साथ तावन करेगी ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें। निगरान हुकूमत को अहम फैसलों का इख्तियार मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इंदिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले माह निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इकदामात करने हैं उसके लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। मकसद वक्त पर फैसला साजी है। यह भी कहा कि मजबूरन बिजली की कीमत बढ़ाई IMF की शर्त कड़ी है। गरीब आदमी पर बिजली की कीमतों में इजाफे का बोझ नहीं पड़ेगा। आज़रबैजान के साथ सनत में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुआहदे के तहत हर माह LNG का एक जहाज खरीदा जाएगा। वज़ीर आज़म ने लाहौर और शेखपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संगे बुनियाद रख दिया। कहा सनती जोन्स के नाम पर रियल स्टेट का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने खानेवाल में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया। कि हमने कोई नाम फाइनल कर दिए हैं, इत्तेफाक हो गया है, जरूर इत्तेफाक होगा। उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार है। हमारे यहाँ से कोई ऐसे नाम फ्लोट भी नहीं किए गए। आईनी तौर पर हम एक हुकूमत का इत्तेहादी हैं। हमारे नाम से आप खबरें चला रहे हैं। हम गैर जानबदार जाहिर है काबीना चाहेंगे केयरटेकर सेटअप के लिए। हमने कब कहा है कि कोई मिनिस्टर जो कैबिनेट से, ये कभी बात नहीं हुई है, ना हमसे ऐसा कोई नाम शेयर किया गया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम पेश किया ना ही इत्तेफाक हुआ, पीपल्स पार्टी ने वाज़े कर दिया। शेर रहमान ने कहा गुज़श्ता रोज़ फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक नाम शेयर नहीं किया गया। फैसल करीम कुंडी बोले दुबई मीटिंग की चलाई गई कोई ये खबर भी सच साबित नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शी शाह और नवीद कमर शामिल। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन का आईजी इस्लामाबाद को हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अहकाम जारी कर दिए गए। चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील की हिदायत। बनीगाला में वारंट भी मौसूल करा दिए गए। बारिश से कराची के मसाइल गटरों से उबल पड़े। शहरियों ने मौसम इंजॉय करने के बजाय सर पकड़ लिए। कहीं पानी जमा तो कहीं बिजली का निजाम ठंडा पड़ गया। गटर उबलने से हर तरफ ताफन फैल गया। नॉर्थ कराची में नाले उबले तो ट्रैफिक रुक गई। नागिन चुरंगी, पावर हाउस चुरंगी और UP बोर्ड की सड़कें डूब गईं। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। कई अहम इमारतों के बाहर दरिया बहने लगे। महकमा मौसमियात की बहुतक बारिशों की पेशगोई। सांकड़ में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। राबता सड़कें जेरे आग। कई फुट पानी जमा। मुतादिद इमारतें और घर डूब गए। बिजली और इंटरनेट का निजाम भी मुतासर। हैदराबाद में बारिश तो गई मगर मसाइल न रुके। मुटियारी, हाला, भिटशा में हर जगह पानी ही पानी। निकासी आपके लिए कोई भी नहीं आया। बारिश ने पंजाब के कई शहरों को डुबो दिया। लाहौर और गुजरांवाला समेत बड़े शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके डूब गए। घरों में पानी जमा। बिजली का निजाम दरहम बरहम। रिनाला खुर्द में बारिश से THQ अस्पताल की दीवार गिर गई। पानी घरों में दाखिल। पंजाब में 27 जुलाई से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। सुवात के नदी नालों में तुफियानी। लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। मदियन में मकान की छत गिरने से 2 खातीन जान से गए। बलूचिस्तान के जिले में भी तेज बारिशें। पिंजरा पुल के मकाम पर कौमी शाहरा बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। शाहरा कराक्रम पर लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद गाड़ियां फंस गई। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत में हुलड़बाजी। जज हुमायूं दिलावर और PTI के वकला में तर्क जुमलों का तबादला। तहरीक इंसाफ के वकला बिफर गए। नाजेबा नारे लगाने लगे। वकील ने अपने रवैये पर माफी भी मांग ली। जज ने वकील ख्वाजा हारिस से कहा जो कुछ हुआ इस पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ख्वाजा हारिस की माफी भी कबूल कर ली गई। समाअत सुबह तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के गवाह पर जिरह जारी रहेगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हर शहरी को मुसल्लह करने की तजवीज़, कहा जिस तरह दहशतगर्दी हो रही है शहरियों को लाजमी मुसल्लह होना चाहिए। कच्चे के इलाके में तो हर बच्चे के पास असलहा होना चाहिए। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन रियाज पसारी का अरकान सप्ली को फौरी असलहा लाइसेंस जारी करने का मुतालबा। स्पीकर ने वज़ारत दिफा को एक हफ्ते में लाइसेंस जारी करने की हिदायत दी। कोलंबो टेस्ट के पहले ही दिन पाकिस्तानी टीम छा गई। बॉलर्स ने लंकन बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। पूरी लंकन टीम 166 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने दो विकेटों पर 145 रन भी बना लिए। श्रीलंका की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 21 रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की 108 रन की शराकत दारी। शान ने मिस सेंचुरी बनाई। इब्रार अहमद ने 4, नसीम शाह ने 3 और शाहीन आफरीदी ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद, दूसरे दिन का खेल शुरू करेंगे। बाईस पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में कोर कमांडर हाउस हमला केस की समाअत। अलीमा खान, हमाद अजहर, फारूक हबीब, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद समेत दीगर शामिल। की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए, लेकिन इस पर एक नहीं दो इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जो वजीर आजम थे उनकी सदारत में हुआ और दूसरा इजलास जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। साइफर एक हकीकत है। साइफर तहकीकात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एफआईए में पेश अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। चेयरमैन पीटीआई सुबह पेशों के मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दो घंटे तहकीकात हुई, तमाम सवालात के जवाब दे दिए। साइफर पर नेशनल सिक्योरिटी के दो इजलास बुलाए गए। दोनों ने साइफर की हकीकत को माना। सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में आसाताना तहकीकात कराई जाए। तासुर दिया गया कि चेयरमैन पीटीआई सियासी फायदा उठाना चाहते थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर अमरीकी सेंटकॉम जनरल ओरेला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताबुन पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इआदा। आईएमएफ से कर्जा भी डॉलर की परवाह ना रोक सका। इंटरबैंक में डॉलर 1.11 रुपये महंगा, 287.92 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 2 रुपये इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी। इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। फी तोला सोना 2800 रुपये महंगा हो गया, 2,25,000 से जायद हो गया। मुल्क को गैर जानबदार निगरान हुकूमत चाहिए। रहनुमा पीटीआई हमाद असर का कहना है कि जो मर्जी कर लें, आवाम एक हो चुकी है। हुकूमत ने बदतरीन एलएनजी डील की। निगरान वजीर आजम का तकरर आईनी तरीके ताबिक होगा। वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आजम नवाज शरीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। आईन के मुताबिक वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद अमल मुकम्मल करेंगे। पीपुल्स पार्टी से अभी तक कोई इसमें मुशावरत नहीं हुई है। पीपुल्स पार्टी की तरफ से एक 3 रुकनी कमेटी एक बनाई गई है और जो भी नाम आएंगे जो भी डिस्कशन होंगे वो उस 3 रुकनी कमेटी जो है पार्टी की वो उस मुशावरत में होगी शामिल, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और सैयद नवीद कमर साहब हैं। निगरान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। वजीर इत्तलासेन शर्जील मेमन का कहना है निगरान हुकूमत पर जो फैसले होंगे अच्छे होंगे। हमारी तरजीह सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन है। मौलाना फजल रहमान को सियासत का मुकम्मल हक है। GDA के 80% लोग पीपल्स पार्टी से रबते में हैं।
बिफरा पानी तबाही फैलाने लगा। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान, भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने का भी खदशा। पाकपतन के इलाके मोहम्मद नगर के करीब दरिया सतलुज का बड़ा हिफाजती बंध टूट गया। बस्ती ढोला और मलिका आबादियां जेरे आब, सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह दो दिन से बरकरार। दरिया सिंध में भक्कर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कौमी शाहरा N65 पिंजरा पुल के मुकाम से फिर बंद। दो रोज से मुसाफिर और माल बाजार गाड़ियां फंसी हुई हैं। डीजी खान में तूफानी बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई खराब। तो आंसा शरीफ को सलेबाद में सैलाब रैले में टूकर एक शख्स शामबाग। दादू में तीन अफराद सराबी रैले में बह गए, दो लाशें निकाल ली गई। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की गाड़ी दरिया में जा गिरी, एक ही खानदान के छह अफराद जां बहक। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक राजनपुर से था, सैर व तफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी मुकम्मल। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.96 रुपए इजाफे की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा में समाअत के दौरान ताजिर बरस पड़े, बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नेपरा से इजाफे की राह में रुकावट बनने का मुतालबा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा और सब्सिडी देना हुकूमत का काम है, कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत अदालत ने 9 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोका। कत्ल केस की तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में जमा। बताया मकतूल को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरखास्त देने पर धमकियां मिल रही थी। अब तक चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उधर मुबैना गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश, दोनों की अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। हमें दुख होता है, इंसाफ नहीं दे पाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उमर नवाज अवान की बाजियाबी केस में रिमार्क्स, बाजियाबी के लिए 1 अगस्त की मोहलत दे दी। अदालत ने कहा उमर नवाज जिस किसी के पास भी है उसे पता होना चाहिए, ऊपर अल्लाह ताला भी है। बताएं इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, फैमिली के सामने बंदा उठाया गया, कुछ खुदा का खौफ भी है या नहीं। जलसे से खिताब करने पर केपी के वजीर ट्रांसपोर्ट मुस्ताफी शाहिद खटक ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद इस्तीफा दे दिया। निगरान वजीर आला को इस्तीफा इरसाल कर दिया, लिखा जाती मसरूफियात की वजहात पर इस्तीफा दिया। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजालिस जारी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास, जुलूसों और मजालिस के इख्तिताम पजीर होने तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। सरबरा BNP अख्तर मेंगल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, निगरान सेटअप, आइंदा इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगु। बलोचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। इमर्जिंग एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान शाहींस का होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कप्तान बाबर आजम समेत कौमी टीम ने मुस्तकबिल के हीरोज को गले लगाया, केक भी काटा गया। शाहीन आफरीदी भी खिलाड़ियों से गले मिले।